हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे नंबर पैटर्न्स के बारे में। व्हाट आर नंबर पैटर्न्स? अ नंबर पैटर्न इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट फॉलो अ सर्टेन रूल। 0, 2, 4, 6 एंड 8 आर अ नंबर पैटर्न। तो यहाँ नियम क्या हुआ? रूल है एड 2 टू ईच नंबर टू गेट द नेक्स्ट वन। अगर हम हर नंबर में 2 ऐड कर देंगे तो हमें अगला नंबर मिल जाएगा। नंबर पैटर्न्स बहुत तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं नंबर सीरीज। यहाँ दिए गए नंबर्स के बीच में कोई भी रूल या नियम समझ नहीं आ रहा है। सो हाउ कैन वी फाइंड द मिसिंग नंबर्स? आइए देखते हैं। नंबर सीरीज के मिसिंग नंबर्स का पता लगाने के लिए वी हैव टू फॉलो अ फ्यू स्टेप्स। स्टेप वन, आइडेंटिफाई इफ द पैटर्न इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सबसे पहले हम पता लगाएंगे नंबर्स छोटे से बड़े हो रहे हैं या बड़े से छोटे। यहाँ नंबर्स छोटे से बड़े हो रहे हैं, मतलब ये इंक्रीजिंग पैटर्न है। स्टेप टू, फाइंड द रूल। हमें नियम का पता लगाना है। यहाँ रूल है एड 5 टू ईच नंबर। स्टेप थ्री, कंटिन्यू द पैटर्न। अब रूल के अकॉर्डिंग हम पैटर्न को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगला नंबर क्या होगा? 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 5 35। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पैटर्न डिक्रीजिंग है और रूल है सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम ईच नंबर, यानी 4 घटाना है। तो अगला नंबर क्या होगा? 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 4 1। अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर। दी गई नंबर सीरीज के मिसिंग नंबर्स को ढूंढना है। याद रखिए, वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स। दी गई नंबर सीरीज इंक्रीजिंग है और रूल है एड 3 टू ईच नंबर। तो मिसिंग नंबर कुछ इस तरह आ जाएंगे। अब देखते हैं मैजिक इन एडिशन। एडिशन में जादू, आइए समझते हैं। दिया हुआ सम आपको एक सिंपल एडिशन का क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये एक नंबर पैटर्न है। ऐसा सोचिए कि दिए गए नंबर्स एक तराजू पर रखे हैं। एक तरफ लिखे हुए नंबर्स एक साइड हैं और दूसरी तरफ लिखे हुए नंबर्स दूसरी साइड। क्योंकि क्वेश्चन के बीच में इक्वल टू का साइन है, इसीलिए हमें दोनों साइड्स को इक्वल करना होगा। अब साइड्स इक्वल कैसे करी जाए? ध्यान से देखिए, एक साइड पर तो 2 नंबर लिखे हुए हैं और दूसरी साइड पे से एक नंबर मिसिंग है। अगर मैं दूसरी साइड भी सेम ही नंबर डाल दूं तो मेरी दोनों साइड्स अपने आप इक्वल हो जाएंगी। यानी ऐसे क्वेश्चंस में वी डोंट हैव टू कैलकुलेट, जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सेम नंबर्स। एक साइड पर जो भी नंबर्स हैं, दूसरी साइड पर भी वही दोनों नंबर्स होने चाहिए। नाउ लेट्स प्रैक्टिस। फाइंड द मिसिंग नंबर्स। दिए गए पैटर्न के मिसिंग नंबर्स ढूंढने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ट्रिक्स याद रखना। ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में दोनों साइड्स में 13,024 तो गिवन है, लेकिन 22,114 एक साइड से मिसिंग है। तो पहले पार्ट का आंसर तो आ जाएगा। बी पार्ट में भी एक नंबर तो दोनों साइड पर लिखा हुआ है, लेकिन 2 नंबर एक साइड से मिसिंग है। तो दोनों ब्लैंक्स कुछ इस तरह फिल कर दिए जाएंगे। मैजिकल हेक्सागन्स। यहाँ हमारे पास एक हेक्सागन है और हेक्सागन के कॉर्नर्स और एजेस पर कुछ इस तरह नंबर लिखे हुए हैं। हमें मिसिंग नंबर ढूंढने हैं। बट ऑल द नंबर्स आर डिफरेंट, व्हाट इज द पैटर्न? इफ वी मल्टीप्लाई द नंबर्स ऑन द कॉर्नर्स, वी विल गेट द नंबर्स ऑन द एजेस। यानी अगर हम कोनों पर लिखे हुए नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो किनारी यानी एजेस पर लिखे हुए नंबर्स को ढूंढ सकते हैं। तो 2 8s are 16, 7 2s are 14 एंड 9 7s are 63। अब आपकी बारी। फाइंड द मिसिंग नंबर्स। कॉर्नर्स को मल्टीप्लाई करके हम एजेस पे लिखे हुए नंबर्स तो निकाल सकते हैं। तो आंसर कुछ इस तरह आ जाएंगे। अब यहाँ एक कॉर्नर पे लिखा हुआ नंबर मिसिंग है। 11 की टेबल में 77 कब आता है? 7 पर। तो मिसिंग नंबर होगा 7। तो बच्चों, लेट्स कीप लर्निंग मैथ्स एंड हैव फन। बाय बच्चों।